शादी के बाद तो तू मिली नहीं, कैसी रही तेरी सुहागरात? क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही है? ऐसा मुंह क्यों उतरा हुआ है, बोलना। कहानी की शुरुआत राजा नाम के लड़के से शुरू होती है, जो छोटे बच्चों के साथ कंचे खेलने में लगा है। तभी नरेश नाम का लड़का आता है और सारे छोटे बच्चों को वो घर भेज देता है और राजा को जन्नत दिखाने ले जाता है। मतलब कि नरेश अपने महिला मित्र से मिलवाने ले जाता है, पर ये साला राजा तो बस जवानी में बड़ा हो गया है, लेकिन बुद्धि से अभी भी छोटा बच्चा ही है। इसी बात का फ़ायदा ये नरेश उठाता है। नरेश राजा को बाहर दरवाजे पे पहरेदारी करने के लिए कहता है और खुद नरेश अंदर जाकर अपने महिला मित्र के साथ जन्नत की सैर करने लगता है। मतलब कि टपाटप। और आप सभी को वेब सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल धमाकेदार वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। ये पूरा सीन 12 मिनट का है। अब इनका प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद राजा अपने घर पर आके अपनी माँ को बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है। बेचारा राजा इतना नादान है कि वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है, पर इसकी बातें माँ जी के पल्ले नहीं पड़ती। अब कुछ दिनों बाद माँ जी की पुरानी दोस्त आती है और अपने बेटे की परेशानियाँ माँ जी उनको बताने लगती है, जिन्हें सुनकर रुक्मणी उन्हें कहती है कि आप अपने बेटे की शादी करवा दो, फिर वो सुधर जाएगा। और ये रुक्मणी वही शादी का रिश्ता लेकर आई है। रुक्मणी उस खूबसूरत लड़की की तस्वीर माँ जी को दिखाती है, जिसे देखने के बाद माँ जी इस रिश्ते के लिए झट से मान जाती है। अब कुछ दिनों बाद राजा की शादी जोड़ी जाती है और बड़ी धूमधाम से राजा की शादी नैना के साथ हो ही जाती है। और सारे रस्म और रिवाजों के साथ नैना की एंट्री राजा के घर पर होती है। नैना को और 3 बहनें होती हैं, जिनमें विमला, सरला और कुसुम हैं। नैना के साथ अभी सरला और कुसुम आई है। सरला तो एक नंबर की डबल मीनिंग बोलने वाली लड़की है और कुसुम थोड़ी अतरंगी। अब आगे आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। इधर ये राजा साहब अपने बीवी के साथ होने के बगैर साला कंचे खेलने बच्चों के साथ जाता है, जहाँ पर 3 छपरे लड़के राजा के साथ छेड़खानी करने जाते हैं। मुन्ना भाई राजा को ऐसा वाला नॉलेज देने लगता है कि राजा का दिमाग पूरा घूमने लगता है। अब रात को बेचारी नैना अपने सारे कपड़े उतार कर बैठी रहती है और राजा के आते ही वो शर्माने लगती है। पर ये राजा तो छोटे बच्चों की तरह बस नैना के दूध को घूरने लगता है। अब राजा को मुन्ना भाई की वो बचकाने वाली बातें याद आती है, उसने सुहागरात के दिन क्या करते हैं ये सब बताया था, तो बिल्कुल वैसा ही ये राजा भी नैना के साथ करने लगता है। पर ये क्या, नैना के टांगे फैलाते ही राजा के अंदर नागिन घुस जाती है और सांप की तरह वो इधर उधर भटकने लगता है। और इस रात नैना के सारे अरमान पानी में घुल मिल जाते हैं। अब अगले सीन में आप सभी को कुसुम और उसके पति रमेश का पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये सीन उतना भी खास नहीं है जितना आप चाहते हैं, पर फिर भी ठीक ठाक ही है। ये सीन पूरे 12 मिनट का है। अब अगले दिन नैना को मिलने उसकी बड़ी बहन विमला आती है और आते ही विमला नैना से उसकी सुहागरात के बारे में पूछती है, जिसके बाद नैना का चेहरा पूरा उतर जाता है और नैना का मायूस चेहरा देखकर विमला सब कुछ समझ जाती है और उसकी मदद करूँगी ये कहती है। अब अगले सीन में ये पता चलता है कि विमला के नाजायज रिश्ते मुन्ना भाई के साथ हैं। यहाँ पर विमला मुन्ना को बताने लगती है कि वो राजा मेरी बहन की सील नहीं तोड़ पाया। अब ये बात इस मुन्ना को बता के क्या फ़ायदा होने वाला है ये तो आगे पता चलेगा। खैर अब यहाँ पर आप सभी को विमला और मुन्ना का एक अतरंगी टाइप वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। प्रिया गामरे के हॉट वाले सीन की तो बात ही अलग है और ये वाला सीन भी कुछ हटके ही है। ये पूरा सीन आपके पूरे पैसे वसूल कर देगा। पर साले इस मुन्ना के चक्कर किस किस लड़की के साथ है ये समझ में नहीं आया। साला ये मुन्ना हर किसी को पेलते जा रहा है। खैर आपको ये सीन पूरे 15 मिनट तक देखने को मिलेगा। अब कुछ दिनों बाद नैना बाथरूम में नहाने आती है, तभी मुन्ना और उसके 2 दोस्त को ये बढ़िया वाला नज़ारा देखने का मौका मिलता है, जहाँ पर ये छपरी ऐसे नैना के तन बदन को देखने लगते हैं कि रेप करने जाने वाले हो। पर आपको भी नैना का नशीला तन बदन देखने को मिलेगा।
अब नैना पानी भरने जाती है तो मुन्ना यहाँ आकर नैना के साथ छेड़खानी करने लगता है। पर नैना भी किसी से कम नहीं है, वो थोड़ी आसानी से किसी के हाथों में आने वाली है। नैना दो चार गालियाँ सुनाकर वहाँ से चली जाती है और अनारी पार्ट वन की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इस वेब सीरीज़ में प्रिया गामरे एज अ विमला, मुस्कान अग्रवाल एज अ सरला, अनिता जायसवाल एज अ नैना और भानु सूर्यम ठाकुर एज अ राजा, ये सभी आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। और इस वेब सीरीज़ में आपको ज़्यादा वाले हॉट सीन देखने को नहीं मिलेंगे और इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ही वीक लगी है। अगर आप फिर भी इस वेब सीरीज़ को देखना चाहते हो तो जाइए उल्लू ऐप पर और जल्दी से इसका आनंद लीजिए। खैर, आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह के वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही मैं इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो की लिंक जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।